ओ भाई क्या हाल है। तो यार अभी हो रहे सुबह के, मतलब कितना हो रहे हैं, 10:45 हो रहे हैं। ठीक है, आज सुबह तो मेरे को नींद नहीं आई थी यार, जल्दी 4 बजे तो सोया मैं यार। पता नहीं क्यों नहीं आई थी यार, रात को थोड़ा मूवी देख रहे थे, मतलब मूवी तो क्या, फैमिली मैन, एक सेकेंड यार, फैमिली मैन का सीजन 2 देख रहे थे, सीजन 1 देख रहे थे। सीजन 2 आने वाला ना, तो शोर मच रखा है, तो मैंने कहा देखूँ सीजन 1 में क्या है ऐसा। तभी वो देख रहा था तो फिर सो गया। सुबह आई नींद 4 बजे, जब पापा गए मेरे ऑफिस। अभी क्या कर रहे हैं, अभी मेरी मम्मी ने कपड़े धोए और मेरी ड्यूटी लगाई है, ऊपर मुँह को डाल के आ रहे हैं। देखो बाल्टी अपने हाथ में, तो चलो ऊपर चलते हैं। कभी कभी घर का काम भी कर लेना चाहिए, ठीक है। कमेंट करो जो जो घर में काम करता है, लड़का भाई दोस्त हमारा। देखो फिशेस देख लो, तो फिशेस जय पापा की। तो यार अब हम आ चुके ऊपर, यहाँ पे तो ऑलरेडी कपड़े चले हुए हैं। कहाँ डाले दिखाता हूँ। हमारी 2 तारी थी ये, इससे पीछे वाली, तीनों पे डले हुए हैं यार एक जगह। कपड़े इधर डाल सकते हैं, इधर ही डालेंगे, ठीक है। कभी दिनों बाद धूप निकली है यार, तो मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा धूप है, सही है ना, लगे यार धूप निकलनी चाहिए। कि बारिश होती है ना, मेरे को एक तो बारिश का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है, कि सब तरह चिप 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 हो जाता है, ऊपर से ठंड भी हो जाती है। 2 दिन बारिश हो सही है, कुछ दिन बारिश हो सही है, लेकिन लगातार बारिश नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बीच में धूप भी आनी चाहिए। जैसे आज निकली है, बस धूप है, मजा आ रहा है, ठीक है। और यार आजकल धूप के काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं, विटामिन डी मिल जाता है, लेनी चाहिए धूप यार। और अभी जो ब्लैक फंगस बीमारी चल रही है, सारे कपड़े धूप में सुखाने चाहिए, इसलिए हम ऊपर धूप में सुखाने आए कपड़े, क्योंकि फंगस वगैरह ना लगे यार, बारिश का मौसम है ना, इस वजह से। सुखा हम नीचे भी सकते थे, लेकिन नीचे फिर इतनी धूप नहीं आ रही थी ना, इधर धूप है सही है, ब्लैक फंगस से बच जाएंगे। कोरोना से तो टीका बचा देगा, ब्लैक फंगस से कौन बचाएगा। ब्लैक फंगस से हमें खुद ही बचना पड़ेगा, साफ़ सफाई रख के, ठीक है। चलो अब हमारी हो चुकी बाल्टी खाली, हम नीचे चलते हैं। मैं डाल आया कपड़े, हेलो हेलो। तब मजा आ रहा है। हाँ, बिल्कुल मजा मत गो, आपने धोया, हमने भी हेल्प करी है। तो यार बड़े दिनों के बाद आज बनने जा रही है हमारी फेवरेट चीज, सबकी फेवरेट है ना ये, तो आपकी भी है, मेरी भी है, गुन्ना गुन्ना की भी है, सब खाते हैं, लेकिन पेट में निकल आते हैं। आज सारे खाते हैं, फिर उनके पेट, मतलब सारे पंजाबियों की फेवरेट चीज है ये, ठीक है। और ये ब्रेकफास्ट में खा जाती है, गेस करो। कमेंट सेक्शन में लिखो। अभी मम्मी उसका मसाला तैयार कर रही। तो भैया आज बता ही देता हूँ, बना रहे हैं आलू के पराठे। नहीं देखो बड़े दिनों बाद हमने खाने तैयार, आलू कट के, मतलब आलू बॉईल करके मैश हो गए, प्याज, चिली, चिली का चिली काट रहे हो, चिली डालेंगे, चिली डालेंगे, डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद हम खाएंगे, मिक्स करेंगे, फिर हम बढ़िया से, हम ज्यादा पराठे नहीं खाते, हम दो दो ही खाते हैं ना। हाँ, दो ही खाते हैं, और हाँ, हम 15 दिन में एक बार खाते हैं, 15 दिन में खाते। कई लोग यार 3-3 4-4 खा जाते हैं, वो कैसे खाते हैं, हम हमेशा दिखा नहीं जाते। हम अगर हम 2 पराठे खा ले तो शाम तक भूख ही ना लगे। हाँ मेरे को भी लगे, मैं 2 ही खाऊंगा, कम खाऊंगा। लोग कहेंगे कितना कम पराठे खाता है, ये कहेंगे सिर्फ वीडियो के लिए बता रहा है, खाता होगा ज्यादा। नहीं, हमसे ज्यादा नहीं खाया जाता। राधिका के घर गया था, वो मैंने उसको बोला था कि मैं यार 2-3 रोटी से फालतू नहीं खाता, खाते हैं है, वो मानी नहीं, उसने 7-8 रोटी दे दी मेरे को। वो भाई मेरी दोस्त है, मैं उसके घर गया था उसकी थोड़ी हेल्प कराने पेपर में। तो भैया उसने मेरे को मतलब लंच मैंने वही करा था फिर उसके घर, ठीक है। तो फिर उसने मेरे को भैया वो लंच कराया, मैं लगा 2 रोटी खा के मैं फ्री हो जाऊंगा जल्दी जल्दी। वो भाई वो खिलाते की रोटी लाते खिलाते की, उसको लगा पता नहीं मैं कितनी रोटी खाता हूँ, लेकिन हम यार कम ही खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं मैक्सिमम, वो खाते नहीं है। मैं 2 ही रोटी खाता, सलाद और 2 रोटी और सब्जी ज़्यादा खाता हूँ। हाँ बस यही है सीन, और क्या, रोटी थोड़ी ज़्यादा खानी चाहिए, कार्ब्स होते हैं यार उसमें, मोटा हो जाता है बंदा। हम देखो कितने स्लिम ट्रिम है, देखो मम्मी देखो कितनी स्लिम ट्रिम है,
ये कॉलेज देख रहे हो, लाइट ही नहीं आ रही, इधर आओ आधा के दूसरे लीटर में। हाँ, हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, हम खाते हैं सिर्फ वेजिटेबल सलाद, फ्रूट्स और एक रोटी। लोग बोलते रहे, शक्ल देखो इनकी। अब तो भैया पराठे खा लिए, मजा आ गया। तो अब हम नहा लिए भाई, और अभी वो थोड़ा काम कर रहे हैं मम्मी और गुन्ना बैठ के, मैं अभी अपनी थोड़ा काम कर लेते हैं, सैटरडे कुछ काम करा नहीं, संडे है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करेंगे, खाना खाएंगे। और अभी ये रील बना रही है इंस्टाग्राम भैया, क्या इतना अभी रील बनाने आए हैं। नहीं ना मम्मी, हर चीज ये व्लॉग एडिट नहीं होगा, ये सिर्फ पड़ा रहेगा फोन में। कभी कभी मेरे को फील होता है यार, मेरा जो नॉर्मल कैमरा है ना वही बढ़िया है, मतलब कई सारी ऐप्स आती हैं वैसे रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो पहले मैं एक ओपन कैमरा करके ऐप यूज़ करता था व्लॉग्स रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि उसमें होता है ना कई सारे फीचर्स आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे ऑटो कौन सा था वो, ऑटो कंट्रास्ट वाला फीचर हो गया, लाइट वाला जो लाइट कंट्रोल करता है, ठीक है, एक्सपोजर वाला फीचर हो गया, और ऐसे कई सारे फीचर्स होते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आप नॉर्मल कैमरा में, मोबाइल कैमरा में नहीं कर सकते। बट फिर पता नहीं इंडोर लाइटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा नॉर्मल बिल्ट इन कैमरा है ना सैमसंग मोबाइल का, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मेरे को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इतना बढ़िया चीज़ है यार ये, सही है, थम्स अप टू सैमसंग। बना रील क्यों नहीं बना रही, मतलब ट्रांजिशन वीडियो है, मतलब ट्रांजिशन वीडियो पहले तू गंदी होती है, फिर उसके बाद एकदम से तू सुंदर हो जाती है, तो मतलब क्या होता है इन वीडियोज़ का, मेरे को समझ नहीं आया आज तक। नहीं मतलब क्या दिखाना चाहते हो, हम गरीब भी हैं अमीर भी हैं एक साथ, और लोग समझ जाएंगे और लोगों को पसंद भी आती है इस वीडियो। जब बार भाई बच गए हैं शाम के 6, हम सो गए थे, हम उठे हैं, हम